नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यस्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से यूट्यूब पर हम वापस आए हैं। उसमें बहुत सारी कहानियां घटी, बहुत सारी परेशानियां आई, जिसकी वजह से हम काफ़ी इससे दूर चले गए थे। हालांकि फेसबुक पर वीडियो पड़ रही थी कुछ न कुछ, लेकिन यूट्यूब पर ज़्यादा टाइमिंग की वजह से हम कोई वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और जो हमारे सब्सक्राइबर 324 325 के आसपास थे, वो 3 महीने से उसी पे अटके हुए हैं। तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये वीडियो, जैसा कि ये बोर्ड देख रहे हैं, कुछ लोग तो कहेंगे कि कैसा है। बहरहाल किसी तरीके से हम व्यवस्था किए हैं कि काम चले, किसी तरीके से हम आए यूट्यूब पर। और यहाँ पे जो है अभी ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है बोर्ड रोड की, इसलिए किसी भी तरीके से हमें जो मिला है हम मार्केट में वहाँ पे हम लगाए हैं। क्योंकि अभी शिफ्ट होना है, कहाँ रहना है, कहीं कहाँ नहीं रहना है, अभी कुछ पता नहीं। तो बोर्ड को कहाँ कहाँ लेके जाएंगे दिल्ली में, तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं उसमें हम बताने को आप लोगों को कोशिश किए हैं, कर रहे हैं। क्योंकि दिसंबर में 3 महत्वपूर्ण वैकेंसी आने वाली है, यानी दिसंबर 2023 जो साल का लास्ट है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि देख रहे हैं, जो पहली वैकेंसी है भारतीय वायुसेना की है, AFCAT, जो कि हम बताएंगे इसका विस्तार पूरा। लेकिन पहले आप जानिए कि भारतीय वायुसेना में अलग अलग पदों पे वैकेंसी आई है, जो आपका 327 पद है। अगर देखा जाए योग्यता, तो योग्यता 10 पे भी है, 12 पे भी है, ग्रेजुएशन पे भी है। उसके लिए बाकायदा हम बताएंगे वीडियो बना करके। लेकिन बहरहाल 327 पोस्ट आया है, और उम्र जो है आपकी कम से कम जो है 20 साल होनी चाहिए, और अधिक से अधिक आपकी 26 साल होना चाहिए। अगर आवेदन की बात करें, आवेदन की तिथि की बात करें, तो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे आपको। दूसरा है जो विभाग है DSSB, यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हो सकता है मेरे में कुछ गलती हो, माफ कर दीजिएगा। पोस्ट जो है आपका 863 है। योग्यता इसमें वही बात फिर है, बताना पड़ेगा 10वीं 12वीं ITI है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, जो भी है उसके लिए अलग अलग सबके लिए पद बना हुआ है। और उम्र सीमा 18 से 37 साल के बीच है। अगर फीस बात करें तो जनरल के लिए आपके OBC के लिए 100 रुपया है, अदर कास्ट के लिए फीस नहीं है कोई। अगर आवेदन की अंतिम तिथि देखा जाए तो ये फॉर्म 21 नवंबर से भरा जा रहा है, और 20 दिसंबर 2023 तक ये फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद है जो तीसरी वैकेंसी है, विभाग है SBI, यानी बैंक की ये वैकेंसी है। अगर पद की बात करें तो 8773 पद हैं। अगर योग्यता देखी जाए तो ग्रेजुएशन है। अगर उम्र सीमा देखी जाए तो 20 से 28 साल है। अगर फीस की बात की जाए तो जो फीस है वो जनरल और OBC के लिए 700 है। जो अदर कैटेगरी है उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। अगर आवेदन की तिथि देखी जाए तो ये 17 नवंबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है, और जो कि 7 दिसंबर, जो कि बहुत ही पास है, इसकी लास्ट डेट होगी, और उसके बाद इस फॉर्म को हम भर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से दिसंबर महीने की 3 महत्वपूर्ण वैकेंसी है आप लोगों को बताने वाले हैं। कि अभी SSC GD की वैकेंसी के बारे में आपको पता है, UPP के बारे में पता है, तो ऐसी कंडीशन में हम करंट अफेयर्स और भी जो मैथ का क्लास, रीजनिंग क्लास, जो भी हमें सूटेबल लगे, जो टाइमिंग की प्रॉब्लम है, तो हम ज़रूर लेके आएंगे। करंट अफेयर तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बढ़िया से रहेगा, लेकिन बहरहाल क्लास आएगी, हर पर डे आएगी। और ये थी हमारी दिसंबर की 3 महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ। तो हमेशा आप आएंगे जो यूट्यूब पर हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं, अब कम से कम आप तैयार रहिए कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। हो सकता है कि ये आपके पढ़ाई के लेवल का नहीं हो, तो आगे तो होगा कभी न कभी, क्योंकि हम भी तो अमेरिका और इंग्लैंड की बात करते हैं, क्या कभी वहाँ पहुँच पाए हैं? अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो बात तो कम से कम सुनेंगे, बात तो करेंगे, आगे स्वयं रास्ता बन जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।